हेलो क्लास ट्वेल्थ, हेलो एवरीवन। सो अभी हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन नंबर 74 स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में है 9 लाख रुपीज, यानी कि 9 लाख। ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25% है। कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल की 20% है। टीआरटी रेशियो 5 टाइम्स है और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 3 टाइम्स देन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी ओपनिंग क्लोजिंग जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 3 टाइम्स देन एट बिगनिंग, यानी कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 3 टाइम्स है। अभी आपको टीआरटी रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में, ओके। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है आपके पास, नाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैं सिर्फ कॉस्ट लिख देता हूं, जो कि है 9 लाख रुपीज। और ग्रोस प्रॉफिट आपका कितना है जीपी, 25% इनकी 25%, तो 9 लाख जो है क्योंकि कॉस्ट का 25% है, इसका 25/100 कर दीजिए तो आपका 2 जीरो कैंसिल, 25 में 225 ही आएगा, 2,25,000 ये आपका आ गया जीपी। तो इन दोनों की हेल्प से नाउ आपकी सेल्स आ जाएगी, क्या जाएगी सेल्स, सेल्स आपकी होती है कॉस्ट प्लस जीपी, क्योंकि किसी चीज की कॉस्ट को और उसमें उसके प्रॉफिट को जोड़ दो तो आपका क्या आ जाता है सेल्स आ जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट आपका है 9 लाख रुपीज प्लस जीपी आपका है 2,25,000, यानी कि टोटल आपका आ जाएगा ये 9,11,25,000, ठीक है। अब हमारे पास सेल्स है, कैश सेल की कंडीशन है, हमें क्रेडिट सेल चाहिए क्योंकि टीआरटी रेशियो के लिए हमें क्रेडिट सेल चाहिए होता है, ओके। तो इसके लिए मैं लेट करूंगा क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल को मैंने एक्स मान लिया, देन कैश सेल क्या होगा, कैश सेल है इसका 25%, यानी कि क्रेडिट सेल इंटू में सॉरी 20% है, 20%, तो ये आ जाएगा 20/100% का मीनिंग, तो 20/100 आ जाएगा रुपीज एक्स बाय 5, ठीक है। तो अब आपका क्रेडिट सेल कैश सेल दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल सेल आएगी ना 11,25,000, तो आप एक फॉर्मूला लगाइए कि टोटल सेल होती क्या है। चलो ऐसे करो, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इन दोनों का अगर ऐड कर दोगे तो आपका बराबर आता है टोटल सेल के, ठीक है। तो कैश सेल आपका है ये रहा एक्स अपॉन 5, क्रेडिट सेल है एक्स अपॉन 2/1 और टोटल सेल है 11,25,000, ठीक है। यहां पर एलसीएम आ गया 5, तो एक्स प्लस 5 है 6x इजिकल टू है 11,25,000। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू निकाली, इसको मैं यहां कर रहा हूं, एक्स को यही रखिए आप, यहां 11,25,000 ये जो है 5 डिवाइड में होता गया मल्टीपल में और 6 मल्टीपल में डिवाइड, तो 6 × 6 बचे 5, 6 × 8 = 48 बचेंगे हमारे पास 4, 6 × 7 = 42 बचेगा 3 × 6 = 5 = 30 00। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई 5 से करते हो तो 00, 5 × 5 = 25 2 कैरी, 5 × 35 प्लस 2 37 3 कैरी और 18 × 5 = 90 प्लस 3 93, तो 3,47,500 इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स व्हाट इज एक्स, एक्स इज क्रेडिट सेल, एक्स हमारे पास क्या है क्रेडिट सेल, ये आपका आ गया 9,37,500। नाउ अब आपको क्वेश्चन में गिवन था टीआरटी रेशियो, तो आप यहां पर अप्लाई करोगे टीआरटी रेशियो का फॉर्मूला। तो टीआरटी रेशियो, इसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इक्वल टू है 5 टाइम्स, ओके। तो अब टीआरटी जो रेशियो होता है उसका आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसका होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू है 5, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अभी हमने निकाली ये थी 9,37,500 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 5/1, 5 × 5 5 से कैंसिल कर दो, आएगा 5×5 = 5 × 40 × 5 = 35 × 5 = 25 00 क्रॉस मल्टीप्लाई द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका आएगा 1,87,500, ओके ये आ गया, ठीक है।
अभी मैं एक कंडीशन और बता देता हूं कि अब है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। तो कंडीशन है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये ओपनिंग का 3 टाइम है, तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां पर है 187,500। तो ओपनिंग को अगर मैं यहां एक्स मान लेता हूं तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 टाइम है। तो ओपनिंग को x मानो, क्लोजिंग हो जाएगा 3x अपॉन 2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 187,500। ये हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 4x बटे 2, 2 दूनी 4, 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 को इससे डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 0। तो x क्या है, ये है ओपनिंग TR यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपका ये है, तो क्लोजिंग आप कहीं पर भी लिख दो, यहां लिख देते हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, ये है इसका 3 टाइम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 93,750 इंटू 3, 3 × 15, 1×3=21, 3×9=21, 3×27=28। ओके, तो ये है 281,250। तो आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दोनों ही आ गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप राइट कीजिए। ओके, तो अभी यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। अभी जो क्वेश्चन करवाया था उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम डेटो वैसा ही है, तो आप ट्राई करना उसको। ठीक है, तो अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 77 है, क्रेडिट सेल्स 380,000, सेल्स रिटर्न आपके पास ये 20,000, तो इन दोनों से नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी आपकी, नेट क्रेडिट सेल्स ये आएगी सेल्स माइनस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट सेल है 380,000 और सेल्स रिटर्न आपके पास है 20,000, तो ये टोटल आपके पास हो जाएगा ₹360,000। ओके, तो यहां पर हमारे पास ये आ गया, क्रेडिट सेल आने के बाद ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी है, क्लोजिंग भी है, तो इन दोनों की हेल्प से आपके पास आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके पास है 70,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2। ये रहा, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो 1,70,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा ₹85,000। ओके, तो नाउ आपको फाइंड क्या करना है, ये करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और फॉर्मूला क्या होता है, ये नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल आपके पास है वो रही 360,000। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल कितनी है, 360,000। नहीं भाई, क्रेडिट सेल्स तो आपकी दी रखी है क्वेश्चन में, क्रेडिट सेल 380,000 है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, तो ये क्रेडिट सेल आपकी 380,000 ही होगी। ठीक है, इसको कट कट कट, 380,000 आपकी क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका है 85,000। तो 3 × 3 कैंसिल, 19,595, 19×2 38, 0, 5×20, 4 times। ओके, इसका ही आंसर आ गया। अब बात आती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, कुछ क्वेश्चन में पूछा हुआ इसमें, वो आप सेल्फ ट्राई करना, बहुत ही आसान है। ओके,